जैसा अदिति ने शुरू में ही कहा कि शादीशुदा महिला के जीवन में या पूजा उपासना में सिंदूर बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, तो आम जीवन में और धार्मिक कार्यों में सिंदूर का इतना महत्व क्यों है? देखिए, सिंदूर मुख्यतः नारंगी रंग का होता है, जो ओरिजिनल सिंदूर है। ये जो लाल रंग का, गुलाबी रंग का सिंदूर है, ये रोली या कुमकुम है, सिंदूर नहीं है। सिंदूर मुख्यतः नारंगी रंग का होता है। महिलाएं इसे सौभाग्य और श्रृंगार के लिए प्रयोग करती हैं। हिंदू धर्म में, हिंदू परंपराओं में बिना सिंदूर के विवाह की कल्पना नहीं की जा सकती। सिंदूर को जोड़ते हैं मंगल नामक ग्रह से, इसीलिए सिंदूर को मंगलकारी भी मानते हैं। हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना और सिंदूर लगाना बड़ा शुभ माना जाता है। सिंदूर का लेपन करना बड़ा शुभ होता है। इसके पीछे की कथा है कि एक बार माता सीता सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी ने पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो उन्होंने कहा कि इससे प्रभु की आयु बढ़ती है और प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी माता सीता से प्रेरित हो गए और उन्हें लगा कि जब एक चुटकी सिंदूर से इतना काम होगा तो मैं पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लेता हूं। तो माता सीता से प्रेरित होकर उन्होंने सिंदूर लगा लिया था। तब से उन्हें सिंदूर अर्पित करना शुभ माना जाता है। हनुमान जी के अलावा माता दुर्गा को, देवी को, माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करते हैं। और विशिष्ट पूजा उपासना में गणपति गजानन, भगवान गणेश को भी सिंदूर अर्पित किया जाता है। तो मुख्यतः हनुमान जी और देवी को सिंदूर अर्पित करने की महत्ता सबसे ज्यादा है, और विशिष्ट स्थितियों में भगवान गणेश को भी सिंदूर अर्पित करके आप लाभ उठा सकते हैं। देखिए, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना एक बड़ी विशिष्ट प्रक्रिया है। एक विशेष रंग, एक विशेष तरंग, सुगंध, इसका एक विशेष महत्व है। तो हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने के नियम क्या हैं? हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को उनको सिंदूर अर्पित करना चाहिए। अगर मंगल बाधा दे रहा हो या कोई विशेष संकट हो तो हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित किया जाता है। पुरुष हनुमान जी को सिंदूर अर्पित भी कर सकते हैं और चमेली के तेल में मिला के उनके शरीर पर लेपन भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। लेकिन महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी। महिलाओं के लिए हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना मना है। दो तरीके हैं हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने के। या तो चोला चढ़वाइए, यानी सिंदूर का लेपन करिए, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करिए, या पान के पत्ते पर रख करके या पीपल के पत्ते पर रख करके भी आप उनके चरणों में सिंदूर रख सकते हैं। अगर आपको सामान्यतः हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो पीपल के पत्ते पर या पान के पत्ते पर चुटकी भर सिंदूर रख करके हनुमान जी को अर्पित करके अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। कोई बड़ा संकट है, कोई बड़ी विपत्ति है, तो मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़वाइए, इससे आपकी विपत्ति दूर हो जाएगी। माता दुर्गा, माता पार्वती, खासतौर से माता गौरी को सिंदूर अर्पित करना विशेष होता है। देवी को प्रसन्न करने के लिए बुधवार या शुक्रवार को सिंदूर अर्पित किया जाता है। देवी को सिंदूर अर्पित करने से दो फायदे होते हैं। पहला, महिलाओं का विवाह जल्दी होता है, और अगर वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर होती है। पुरुष देवी को सिंदूर अर्पित नहीं कर सकते। पुरुष भूल कर भी देवी को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगे,
महिलाएं अपनी आवश्यकता अनुसार देवी की मांग में सिंदूर लगा सकती हैं। और बहुत सारे परिवारों में ये परंपरा है कि सुबह जब महिलाएं स्नान करके तैयार होती हैं तो पहले देवी को सिंदूर लगाती हैं और फिर स्वयं को सिंदूर लगाती हैं। यानी महिलाएं अपनी डेली लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में देवी को सिंदूर अर्पित कर सकती हैं और उससे महिलाओं का कल्याण हो सकता है। अब आपको सामान्यता लगता होगा कि सिंदूर तो महिलाएं श्रृंगार में प्रयोग करती हैं, हनुमान जी को चढ़ गया, देवी को चढ़ गया, उसका संबंध ज़्यादातर विवाह से होता है। लेकिन नौकरी की समस्याओं को भी सिंदूर के प्रयोग से आप दूर कर सकते हैं। बार बार नौकरी छूट रही है, बार बार नौकरी बदल रही है, तो सिंदूर का कैसे प्रयोग करेंगे? किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के चरणों का सिंदूर पंडित जी से या मंदिर के पुजारी से मांग लाएं। एक सफेद चौकोर कागज ले लें और उसी सिंदूर से उस कागज पर स्वस्तिक बनाइए अपनी उंगली की सहायता से। इस कागज को बिना मोड़े हुए अपने पास, अपने बैग में, अपने दराज में, अपने पर्स में रख लीजिए। आप देखेंगे कि नौकरी से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। 6 महीने बाद इस पुराने कागज को जल प्रवाहित कर देंगे या जमीन में दबा देंगे। 6 महीने बाद दूसरे कागज पर उसी सिंदूर से स्वस्तिक बना करके अपने पास रख लेंगे। अगर आप कर्जों से बहुत परेशान हैं, कर्जों से मुक्ति चाहते हैं, तो सिंदूर का प्रयोग कैसे करेंगे? चमेली के थोड़े से तेल में सिंदूर मिलाइए। जितनी आपकी उम्र है उतने पीपल के पत्ते ले लीजिए और जो पत्ते का चिकना वाला हिस्सा है उस तरफ उसी सिंदूर से लिखिए राम। अब मान लिया आपकी उम्र 40 साल है, 40 पत्तों पर राम लिखिए और इसको कलावे में बांधकर इन पत्तों को या लाल या पीले धागे में बांधकर एक माला बना लीजिए। इस माला को मंगलवार को हनुमान जी के गले में पहना दीजिएगा, उनको समर्पित कर देंगे और प्रार्थना करेंगे कि आपको कर्ज से मुक्ति मिले, निश्चित रूप से जल्द आपको कर्ज से छुटकारा मिल पाएगा। दाम्पत्य जीवन के लिए तो सिंदूर का प्रयोग अचूक है, अगर वो सही तरीके से किया जाए तो। महिलाएं ये उपाय करेंगी जो हम आपको बताने जा रहे हैं। रोज सुबह स्नान के बाद माता गौरी को सिंदूर अर्पित करें, फिर स्वयं को सिंदूर लगाएं। माता गौरी की मांग में चुटकी भर सिंदूर फिर अपनी मांग में लगा लें और सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करें, ऐसा रोज करें। और ये प्रयोग केवल महिलाएं ही करेंगी। अब इसमें दो बातें बड़ी अहम हैं। बहुत सारी महिलाएं विवाह के बाद भी सिंदूर नहीं लगाती हैं, तो उनको मैं निवेदन करूंगा कि छोटा सा ही सही, तिलक के फॉर्मेट में ही सही, लेकिन माता गौरी को अर्पित करने के बाद सिंदूर रेगुलरली लगाइए। इससे बहुत सारे फायदे होंगे, कभी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन मोटे तौर से जो बॉन्डिंग है आपकी पतिदेव के साथ वो थोड़ी बेहतर होगी, आपके पेशेंस का लेवल बढ़ेगा और आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विवाह के समय महिलाओं को अलग से अपने मायके से सिंदूर दानी या जिसको आम बोलचाल की भाषा में सिंघोरा कहते हैं वो दिया जाता है, उसको बहुत संभाल कर रखिए और जब व्रत पर्व या त्योहार पड़े तो उस सिंघोरे से या उस सिंदूर दानी से सिंदूर का प्रयोग जरूर करिए, बहुत लाभकारी होगा। अब शादी हो गई, सिंघोरा कहाँ पड़ा है, सिंदूर दानी कहाँ पड़ी है, इसकी कोई चिंता ही नहीं है। फिर बाद में परेशानियाँ बढ़ती हैं, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें होती हैं, तो आप तमाम तरह के उपाय करते फिरते हैं। इसलिए शुरुआत से ही अगर इन बातों का ध्यान रखें तो आगे इस तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब।
डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।